जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कॉम्पिटिशन। मैं राहुल आप सबका स्वागत करता हूं। तो आप यहां पे देख सकते हो, हम लोग यहां पे ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं BPSSC के, ठीक है, यानी कि बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन, ठीक है। अब इस वेबसाइट के ऊपर जब आप आओगे तो यहां पे देखिएगा, यहां जब आप प्रोविजन डिपार्टमेंट वाले ऑप्शन पे आएंगे, ठीक है, पहले जब आप खोलोगे आपका होम पेज लैंड होगा। यहां पे देखिए बिहार पुलिस वाले पेज पे यहां पे लैंड होगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको ये खोल के दिखाता हूँ, बिहार पुलिस वाला जो पेज है इस पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे देखिए 18/5 का ही, यानी 18 मई का ही आपको अपडेटेड दिखेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे ही प्रोविजन डिपार्टमेंट जाइएगा, आपको यहाँ पे दिखेगा भाई रिजल्ट आ गया आज का, 28/7 का आज अपडेटेड यहाँ पे PDF दिखेगा, जो अपना एक्साइज डिपार्टमेंट वाला जो एग्ज़ाम हुआ है ना, प्रोविजन एक्साइज रिगार्डिंग डिपार्टमेंट जो एग्ज़ाम हुआ है, इसका रिजल्ट आ गया है। टोटल 64 पोस्ट पे ये वाला परीक्षा हुआ है। आई होप आप सबने इसको दिया है। इसका मैंने PDF ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। चलिए इसके ऊपर हम लोग डिटेल में अब करेंगे बात। तो एक बारी मैं ये PDF यहाँ पे कर लेता हूँ इसको ओपन। यहाँ से ये PDF हमारा हो गया ओपन, ठीक है। देखिएगा इसे, इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे मैंने कर दिए आपके लिए हाईलाइट। इसमें हम लोग कट ऑफ भी देखेंगे कि भाई कट ऑफ कितना आया है। कट ऑफ सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जितना मैंने कट ऑफ बताया था उतना कट ऑफ आया है। मैंने आपको बोला था कि 70 से 75 प्लस अगर आपका आ रहा है, ठीक है, 70 से 75 प्लस के इस रेंज में है तो आप खुद को मान सकते हैं कि आप रेस में हैं। उसी हिसाब से आया है सब कुछ। चलिए पहले इस बार हम लोग पहले डिटेल देख ले। देखिए 11 पोस्ट पे था मद निषेध का 11 पोस्ट था, और 53 जो है वो अग्निशमन पदाधिकारी का था। 16 को परीक्षा हुई थी, ठीक है, और जो मैंने आपको बताया था लगभग 70,000 स्टूडेंट्स इसमें सम्मिलित हुए थे। देखिएगा यहाँ पे 66,398 अभ्यर्थी इसमें प्रारंभिक लिखित परीक्षा में बैठे थे, ठीक है। कुछ बच्चे 40,000 बैठा था, 50,000 बैठा था बोल रहे थे, बट जो फैक्ट है मैं उस पर ही बात करता हूँ, और आप लोग जब मेरे प्रीवियस वीडियो देखिएगा आपको उससे पता चल जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अयोग्य विद्यार्थी का नंबर बहुत ज़्यादा है। 1478 विद्यार्थी अयोग्य यहाँ पाए गए हैं। कदाचार के वजह से 5 अयोग्य मिला है। OMR में रोल नंबर गलत भरने से 757 अयोग्य यहाँ पाया गया है। उत्तर पत्रक यानी OMR नंबर गलत बढ़ने में 550 यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। हिंदी अनुच्छेद और इंग्लिश अनुच्छेद दोनों ने नहीं लिखा है, तो 100 अंग्रेजी में नहीं लिखा, 100 हिंदी में नहीं लिखा, यहाँ दोनों डिस्क्वालीफाई हो गया। हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों अनुच्छेद कोई भी लिखा ही नहीं, बिल्कुल ही ब्लैंक छोड़ दिया है, वैसा 4 को हुआ है। और OMR पर हस्ताक्षर नहीं किया, 36 को ऐसा हुआ है डिस्क्वालीफाई। टोटल 1478 इतने में से डिस्क्वालीफाई सीधा सीधा हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे टोटल जो है 46,236 अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया गया है ओवरऑल, ठीक है। और इसका अनुसरण करते हुए विभिन्न कोटियों के लिए मूलतः उपलब्ध रिक्तियों के 20 गुना उम्मीदवारों की प्रारंभिक लिखित परीक्षा के आधार पर रिजल्ट यहाँ पे आपको दिया गया है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ ओवरऑल पूरा ब्रेकआउट दिया गया कैसे किस वर्ग से कितना है, ये आप देख लीजिएगा। PDF हम डाल देंगे चैनल पे, है ना, टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे टोटल बताया गया है कितना पोस्ट है, क्या पोस्ट है, ठीक है, उस हिसाब से बताया गया है कैसे रिजर्वेशन महिलाओं को मिलेगा। महिलाओं को 53 में से 14 सीट इनके लिए रिजर्व रखा गया है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, देखिएगा यहाँ पे कट ऑफ की बातें करते हैं। कट ऑफ देखिएगा, अनारक्षित यानी कि यहाँ बात हो रही है जनरल कैटेगरी की, ठीक है, जनरल कैटेगरी की बात हो रही है। देखिएगा यहाँ पे 160.40 गया है, मतलब मोटा मोटी अगर हम बात कर लें यहाँ पे देखिएगा लगभग जो है ना 76-77 नंबर जो है यहाँ पे सीधा, ठीक है, कट ऑफ गया, नहीं माफ़ कीजिएगा, 80 गया जनरल का जो है यहाँ पे 80 कट ऑफ गया है। 80 प्लस अगर आप लेके आ रहे हो सही करके पूरा 80 प्लस अगर आपका सही हो रहा है काट छाट के, तो आपका यहाँ पे रिजल्ट है। महिलाओं का 140 पे रिजल्ट है। आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी EWS की बातें हो रही हैं, EWS का 153 पे गया है। अनुसूचित जाति 141 गया है, अनुसूचित जनजाति 132 गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है, 151 पिछड़ा वर्ग यानी OBC BC 53 गया है। 53 का मतलब है देखिए, अगर आप OBC वाले हैं तो आपको कम से कम 75 प्लस सही करना था, 76-77 अगर आप सही करते तो आपका आ रहा है। मतलब यहाँ पे ओवरऑल जो बताया गया है उसी अनुसार यहाँ कट ऑफ आ रहा है। चूँकि इस बार सीट कम था, क्वेश्चन पेपर मॉडरेट टू टफ लेवल का नहीं था, ईजी टू मॉडरेट लेवल का था, तो उस हिसाब से उसी अनुसार यहाँ पे सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ पे देखिएगा 64 पदों का 20 गुना यहाँ रिजल्ट आया, यानी 1280 बच्चों को यहाँ पे पास किया गया है। 1280 बच्चों को यहाँ पे जब आप नीचे आइएगा, यहाँ पे आपको टोटल रोल नंबर यहाँ पे दिया गया, आप सर्च बार में ऊपर डाल के इसको सर्च करके ढूंढ सकते हैं आप यहाँ पे पास हुए हैं या नहीं हुए हैं।
तो अगर अब हम लोग बात कर लें यहाँ जो कट ऑफ जो जा रहा है अपना, जो एक्चुअल जो अपना बिहार एसआई का अभी आने वाला है वैकेंसी, इसमें आपको जो है ना ये आपको एक मापदंड सेट कर दिया है कि आपको अब टारगेट करना पड़ेगा 75 प्लस का, 100 में से आपका 75 सही होना चाहिए, उससे कम है आप रेस में है ही नहीं, आपको 75 के ऊपर निकलना पड़ेगा। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। वीडियो को शेयर करिए अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में जिन्होंने भी परीक्षा दिया है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाइए। धन्यवाद।